सोशल मीडिया पर पिस्टल लहराते वीडियो डालना एक युवक को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया है और उसके पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। अब पुलिस उससे अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। इंदौर में आए दिन बदमाश अपना रुतबा कायम करने के लिए अब सोशल मीडिया का भी सहारा ले रहे हैं। हाल ही में युवक सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक युवक द्वारा पिस्टल लहराते हुए और फिल्मी डायलॉग बोलते हुए वीडियो अपलोड किया गया है। सोशल मीडिया पर अपलोड हुए इस वीडियो के बाद तत्काल राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फेसबुक पर अपलोड करने वाले युवक जितेंद्र निवासी न्यूयॉर्क सिटी को देर रात गिरफ्तार किया है। युवक वीडियो में अपने आप को मुंबईया गैंगस्टर बताने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने आरोपी जितेंद्र के कब्जे से एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मैम, एक वीडियो वायरल हो रहा है पिस्टल लेके, क्या है पूरा मामला और आरोपी गिरफ्तार? ये वीडियो परसों शाम को 4 बजे सोशल मीडिया पे डला था और जितनी जानकारी प्राप्त हुई थी तो पता चला था कि ये राजेंद्र नगर क्षेत्र का कोई व्यक्ति है। उस पर तस्दीक करी गई और तस्दीक करने पर इस आदमी की गिरफ्तारी हुई है। इसके पास से एक जो है पिस्टल मिली है और जो दो जिंदा कारतूस मिले हैं। मैम, क्या बताना चाह रहा था वीडियो डाउनलोड करके, क्या कहना चाह रहा था? एक्चुअली इन लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब ये जो मुंबईया गैंगस्टर जैसा एक फीलिंग जो आती है ना इन लोगों की इस उम्र की, तो वो अपने आप को बिल्कुल उसी तरह का बादशाह बताने की कोशिश कर रहा था। अभी हवालात में है, आगामी भी इसकी पिस्टल कहाँ से आई इसकी जाँच जारी है। इसका नाम क्या है और ये क्या अपराधिक है? इसका नाम जितेंद्र है, ये न्यूयॉर्क सिटी की EWS मल्टी में रहता है। ये हुंडई का जो शोरूम है वहाँ पर ये कार साफ करने का काम करता है। इसकी कोई पुराने अभी उसकी तस्दीक नहीं की गई है कि कोई पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो माननीय न्यायालय पेश करते वक्त लगाया जाएगा। गौरतलब है कि इन दिनों पुलिस की स्पेशल विंग द्वारा सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है, जिसमें लोगों के बीच अपनी दहशत फैलाने वाले बदमाशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में इस तरह की कार्रवाई में पुलिस ने कई बदमाशों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। Report, Voice of Rights.